तो ऐसा लगा है जैसे ये आंखें धड़कने लगी। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज है अवई अष्टमी। अवई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और मैं जा रही हूँ पूजा करने अभी। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। इस वाली जो साड़ी का ब्लाउज था वो मैंने इसमें से निकलवाया नहीं था, मैंने सोचा साड़ी कम पड़ जाएगी तो ये ब्लाउज मैंने अलग से लिया है। तो ये भी इसमें मैच कर रहा है। और ये लगाई थी मैंने उस दिन इसमें लेस। तो बताना ये साड़ी कैसी लग रही है। और आज मुझे हो रहा है कोल्ड, मेरे घर में सभी को हो रहा है, अयान को भी हो रहा है, खुशी को भी, मुझे भी, इनको भी, हम चारों को ही हुआ है। तो मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का। मैं सुबह से ऐसे ही पड़ी हूँ, अब जाके मैं उठी हूँ, जब जाके मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ, जब नहा धो के अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो फटाफट मैं पूजा कर लेती हूँ। अयान को मैंने लगा रखा है, नहीं तो ये मुझे करने नहीं देगा, खुशी गई है स्कूल। तो मैं फटाफट पूजा कर लेते हैं। तो चलिए आज दिखाती हूँ मैं अवई अष्टमी की पूजा कैसे करती हूँ, तो आप भी देखिएगा। ये करवा चौथ का कैलेंडर लगा हुआ है, इसको मैं निकाल देती हूँ और लगा लेती हूँ अवई माता का। और अवई माता का जो व्रत होता है वो बेटों के लिए किया जाता है। तो मुझे भी ये व्रत करते हुए 4 साल हो गए हैं, जब से मेरा अयान हुआ है, जब से मैं ये पूजा कर रही हूँ। और इधर गड़े में मैंने पानी भर के रखा हुआ है और साथ में रखा हुआ है 1 लोटा। तो ऐसे मैंने ये 2 भर के रखे हुए हैं पानी के। और ये जो पानी होता है ये 8 दिन तक ये भर के ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब धनतेरस होती है उस दिन इस पानी से पूरे घर में पोछा लगाया जाता है। तो जब तक ये खाली नहीं होगा गड़ा, उसी दिन ये सारा पानी निकाला जाएगा। और इधर साथ में मैंने रखी हुई थी गेहूँ, जो कटोरी में रखा हुआ है। तो मैं कहानी पढ़ रही हूँ, तो थोड़े से मैंने अपने पल्लू में गेहूँ रखे हुए हैं। और ये रखी हुई है मैंने साड़ी। तो ये साड़ी दी जाती है सास को, साड़ी की जगह आप पैसे भी रख सकते हो। तो मैंने ये साड़ी लेके आई थी अयान की दादी के लिए, तो वो पहनती हैं उसी हिसाब से मैं लेके आई थी, क्योंकि वो ज़्यादा भारी साड़ी पहनती नहीं है। और इधर मैंने 2 लोटे में जो पानी भर के रखा था, तो एक तो ये गड़े के ऊपर रखा जाएगा और दूसरा लोटा है वो मैं अभी सूरज पे चढ़ा के आऊँगी छत पे, तुलसी पे। तो पूजा हो गई है मेरी ख़त्म, अब जा रही हूँ मैं छत पे। तो ये पानी चढ़ा के आ रही हूँ तुलसी पे। अब पी लेती हूँ चाय। तो इसमें मैंने रख दिए थे छोले उबलने के लिए, तो वो गए हैं उबल। अब खाना कर लेती हूँ रेडी। और ये छोले जो मैंने उबाले थे इसी की बना लेती हूँ मैं सब्जी, और इसी के साथ ही साथ बनाऊंगी मैं खीर, तो वो भी मैं रेडी कर लूँगी। और आज का जो व्रत होता है वही का, उसमें खाना एक ही बार खाया जाता है शाम को, और बाकी दिन में एक बार चाय ले लेते हैं। पूजा करने के बाद जो कहानी पढ़ लेते हैं, फिर चाय या फ्रूट ले सकते हो, और बाकी पूरे दिन कुछ नहीं खाया जाता है इसमें। और शाम को तारे निकल आएंगे, उसके बाद तारों को पानी दे के जब ये व्रत तोड़ा जाता है तो वही मैं करूँगी। तो इधर मैंने सब्जी और खीर बना दी है, बस रोटी बना के रख देती हूँ। और आज मैंने पूड़ी नहीं बनाई है, क्योंकि गला हो रहा मेरा ख़राब, तो इस वजह से आज मैं रोटी बना रही हूँ। वैसे व्रत में क्या करते हैं, पूड़ी या पराठे ही खाते हैं। क्या देख रहे हो? मम्मा को छुप छुप के देख रहे हो? हाँ। अयान कह रहा है मैं मम्मा को छुप छुप के देख रहा हूँ। खुशी, खुशी सो रही हो क्या? उठो, ऐसे नहीं करते हैं। Thank you.
वो वाव। हाँ मिर्ची लेके आओ, मिर्ची लेके आओ जल्दी से। खुशी जब खाली बैठी होगी तो नाखून चबाई जाएगी चबाई जाएगी, और जैसे ही मैं डांट देती हूँ वैसे ही हाथ हटा लेगी, बाकी दोबारा से फिर लगा लेगी। हैं? चलो आओ दवाई खिला दूँ, आ जाओ। तो मैं जा रही हूँ अजान को बाप लगा दूँ, इसको जुखाम काफी तेज हो रहा है और दवाई भी इसको देनी है जो मैंने अभी तक दी नहीं है इसको। तो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अयान मम्मा ब्लॉग, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।